दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं अपने घर में ग्रेनाइट लगाया हूँ किचन कॉर्नर टॉप पे। मैं अपने कमरे में जो लगाया हूँ वो जो अपने फ्लोर पे लगाया हूँ वो मैं लगाया हूँ ब्लैक गैलेक्सी ग्रेनाइट। लेकिन बाकी जो रेंटेड पर्पस में यूज़ करना है उसे मैंने जो फ्लोरिंग में यूज़ किया था ये शंकर पल्ली ग्रेनाइट है साउथ का, वही मैंने यूज़ किया। तो मैं आपको आज बताऊँगा कि अगर आप फ्लोरिंग कराते हैं और सीमेंट की ढलाई कराए हुए हैं, मैं तो ये प्रीफर करूंगा कि अगर आप अपना घर बना रहे हैं रेंटेड पर्पज के लिए देना है तो ज़रूर कंक्रीट का ही ढलाई करा के उसके ग्रेनाइट लगाएं, क्योंकि अगर रेंटर है तो सही से आपका मॉडल किचन का ध्यान नहीं रख सकता हो। तो हमेशा कंक्रीट की ढलाई कराएं अगर रेंटर पर्पज से देना है तो, और उसके ऊपर कोई भी ग्रेनाइट लगा सकते हैं। मैं आज बताऊँगा कि ग्रेनाइट लगाएं तो क्या सावधानियां बरतें। तो आप देख सकते हैं कि मैंने शंकर पल्ली ग्रेनाइट लगाया है, लेकिन जो मोल्डिंग है, क्योंकि नीचे मेरा सारा वुडन कवर है, तो जो ये मोल्डिंग है मैंने क्या किया कि इस मोल्डिंग का 3 इंच का लेके मैंने जस्ट इसको ऊपर मिलीमीटर में बाहर निकाल दिया। यहाँ पर दिखा सकते हैं आप, थोड़ा जूम करके दिखाएं। तो इससे क्या है कि ये जूम से यहाँ पर मोल्डिंग कर दिया है, क्योंकि सेम ग्रेनाइट है तो कलर सेम आ गया इसका, देख सकते हैं कोई डिफ्रेंसेस नहीं है। लेकिन ये ऊंचाई ज़्यादा होने से क्या हो रहा है कि पानी जब भी कुछ गिरता है यहाँ से तो गिरने के बाद बाहर नहीं आएगा। देख सकते हैं पानी यहाँ पर डाल रहा हूँ, ये पानी डाल दिया मैंने यहाँ पे, लेकिन ये पानी देख सकते हैं यहाँ पर रुक गया। इस तरह अगर किचन में कुछ बना रहे हैं आप और बाय मिस्टेक क्या होता है कि अगर गिर जाता है, मतलब मान लीजिए आप ये मिल्क बॉयल कर रहे हैं गिर सकता है, तो क्या होगा कि इसके ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं आएगा, जिससे क्या होगा कि जो आपका वुडन का वर्क है नीचे वो ख़राब नहीं होगा। तो ये सब सावधानियाँ रखें। और ये मतलब नॉर्मल पर्पज़ के लिए हमेशा अगर सुंदर दिखना है तो आप डबल मोल्डिंग लगा सकते हैं। अगर सेफ्टी चाहिए तो थोड़ा सा ऊँचा करके इसे लगा दें, जिससे क्या होगा कि पानी कहीं बाहर नहीं गिरेगा। और हमेशा एक सिंक बनाए तो हमेशा ध्यान दें, ये जो ज्वाइंट होता है इस ज्वाइंट को थोड़ा सा डाउन करने से, यहाँ देख सकते हैं मेरा डाउन है यहाँ पे, ये डाउन करें और थोड़ा सा ढाल दें यहाँ पे कि पानी जो है इस कॉर्नर पर ना रुके। अगर इस कॉर्नर पर रुकता है तो पानी यहाँ से लगेगा आपकी दीवार में, जो कि काफ़ी दिक्कत बाद में क्रिएट करेगा। और इसे हो कि प्रॉपर ग्राउटिंग कराएं इसका, क्योंकि पानी जो है ना हल्का भी जगह पाता है तो वहाँ से निकल जाता है। तो ग्राउटिंग ये या तो एमसील लगा दें यहाँ पे उसी वक्त, या जो भी जिसे जोड़ते हैं उसे प्रॉपर ग्राउटिंग करा दें कि पानी का लीकेज बिल्कुल ना हो, नहीं तो क्या करेगा आपका वुडन वर्क को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ये। तो ये सब छोटी छोटी सावधानियाँ हैं, छोटी जानकारियाँ हैं जो आपको अगर आप मॉडल किसी बनाते हैं ध्यान रखें। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच गाइज़।